डिसमेंट थी उनके चेहरे पर मेन प्लेयर ऑफ द गेम बिजी हो गए अपने आप में है ना कर ही बोलने की जरूरत नहीं थी मैं अपनी चीजें ऐसी ही बात करता था कितने कॉम्प्लीमेंट मिले आपको घर के बाहर जो सबसे स्पेशल कॉम्प्लीमेंट क्या था नहीं यही मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरे बच्चे भी देख रहे थे शो और उनको भी एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि यार मेरा मेरे डैड ने कुछ गलत बोल दिया हो या गलत किया हो या गलत भाषा यूज़ की हो किसी को एरोगेंट तरीके से किसी को ट्रीट किया हो तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं एक ऐसा शो या मैं अपना ऐसा एक पिक्चर क्रिएट कर पाया पोट्रे कर पाया जिसमें मैंने अपनी चीज़ें सामने रखी एट द सेम टाइम मुझे वो झगड़े उस तरह से कि किसी को किसी को गालियाँ देकर ही बोलने की जरूरत नहीं थी मैं अपनी चीजें ऐसी ही बात करता था कि वो सामने वाले को लगे yeah. लेकिन उसके लिए मैं कभी बैड वर्ड्स नहीं यूज करता था तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित हुआ जब आप घर से इतने दिनों के बाद बाहर आए थे बच्चों का आपके जो दोनों बेटियां yeah. उनका क्या रिएक्शन था बोथ वेरी हैप्पी क्योंकि जब फिनाले था और ट्रॉफी मिली नहीं तो डिसपॉइंटमेंट थी उनके चेहरे पर बट बहुत कम टाइम के लिए क्योंकि उसके बाद वापस वो मिलने वाली थी और जब मिले तो बाकी सारी चीज़ें यू नो बातें यहाँ की बातें वहाँ की बातें उनकी स्कूल की बातें तो मुझे देखकर अच्छा भी लगा कि उनको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है अबाउट यू नो ट्रॉफी मिली नहीं मिली बट खुशी इस बात की है कि नो डैड घर पर आ गए तो वो अच्छी बात है आ, शिल्पा जी ने क्या बोला था नहीं उनका भी यही रिएक्शन था कि कुछ नहीं जो भी है अच्छा है शी वॉज ऑल्सो प्रेइंग अलॉट नो कि जीतना चाहिए yes. बट आ, हारने का ऐसा गम नहीं था ऐसा पता yes. नहीं क्यों बट इतना इतना सैडनेस नहीं था एक yes. एक कहीं पर एक दिल में ये चोट होती है कि अरे यार इतना गेम खेल लिया इतना सब कुछ कर लिया हम डिज़र्व करते थे उस ट्रॉफी को पाना बट आ, उस पॉइंट को छोड़ा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था कि अरे यार मैंने कुछ बहुत बड़ा गंवा दिया है उस वक्त जब आप स्टेज पर थे फिनाले वाले दिन आपके जस्ट बगल में सूरज जी भी थे उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था एक एक समय के लिए भी ऐसा लगा था कि हाँ मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर लोगों ने उम्मीद लगा कर बैठी थी कि हाँ अभिजीत ही लेकर जाने वाले ट्रॉफी नहीं हम लोग को अंदर ऐसा लगता था कि सूरज ही लेकर जाएगा <laughs> हम लोग सबको यही मतलब था कि सूरज ही जीतने वाला है सब लोग ये बोलते थे कि सूरज जी जीतेगा सूरज जी जीतेगा तो हम लोग को मतलब आप किसी भी कॉन्टेस्टेंट को पूछेंगे तो बोलेंगे कि सूरज जीते जी। बाहर आने के बाद पता चला कि नहीं नहीं मेरे लिए भी बहुत पॉजिटिविटी थी, थी और बहुत लोग यू नो प्रे कर रहे थे बहुत लोगों को बुरा भी लगा इस बात का बट मुझे ऐसा लगता है कि एक सूरज को ट्रॉफी देना एक उसके लिए भी अच्छा है और उस मैंने तो करियर देखा है मैंने अपनी चीजें देखी है यू नो अब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को साइड में रखा जाए या गेम खेलने के बारे में साइड में रखा जाए और एक इंसान इंसान की बात की जाए तो आई थिंक सूरज को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हेल्प मिलेगी अपने करियर को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी उन्हें अभी बहुत ज्यादा भी उन्हें एक टू बी के फ्लैट भी मिलने वाला है हाल ही में अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो बाहर निकलने के बाद कोई बात हुई आपकी सूरज से नहीं अभी तक तो नहीं हुई मतलब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले तो हाई हेलो आप थोड़ी वहाँ पर चैट हुई बट उसको मिल जाऊँगा उसके गाँव जाऊँगा मिलने और आ, मैं थोड़ी थोड़ा टाइम आ, अभी थोड़ा ये शांत हो जाएगा उसके बाद मैं गाँव जाऊँगा उसको मिलूँगा क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है बिग बॉस के घर से जब आप यहाँ अपने घर आ गए तो बिग बॉस के घर की क्या चीज़ें मिस कर रहे थे आप बिग बॉस के घर की एक्चुअली देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा है एक तो चलना बहुत चलते थे हम लोग मतलब एक बेड से दूसरे बेड तक जाने के लिए दस कदम पंद्रह कदम होता था और फिर वो बाहर जाओ फिर वहाँ से बाहर और वो गार्डन एरिया जाओ बट प्रेशर इतना था ना वो टेंशन इतना रहता था और इतना वो मतलब दिमाग को खा रहा था वो सब चीज़ें तो वो सबसे मैं बाहर आ गया इसकी एक एक खुशी है उसकी

नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है बट एक एक ये रियलाइज हो गया था कि दो मेन प्लेयर ऑफ द गेम बिजी हो गए अपने आप में है you ना know? <laughs> और गेम तो मुझे वो इरिटेशन हमेशा रही है क्योंकि जो भी इंसान वो गेम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देता था जैसे हमें पिकनिक गैंग कहा गया yeah. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हर्टिंग था क्योंकि हम हम एक शो में आए हैं, उसमें अपनी जान लगाना चाहिए अपनी मेहनत करनी चाहिए आप जाके बाहर पिकनिक करते रहो यार तो वो मेरा सबसे बैड पॉइंट रहा तो उस हिसाब से तो अंदर वही मेरे डिसपॉइंटमेंट थी कि यार ये लोग गेम छोड़ छोड़ दिया है और बाकी अदरवाइज मतलब ठीक ही था टीम बी के लिए बहुत ही अच्छा था कि वो उन्होंने अपना गेम छोड़ दिया बट आई यूज़ टू लाइक कि आप सामने से आओ सामने से भिड़ो हम सामने से आपको भिड़ेंगे और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था तभी मेरे लिए भी अच्छा था